अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासिद और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्स के लिए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की स्टूडियो के अंदर मैं आप लोग बताऊंगा जो अल्फा बैंक है इसकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप इनका जो नुमाइंदा है उससे बात जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनकी जो ऑफिशियल अल्फा बैंक की ऐप है इसको इंस्टॉल किया और इसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्प वाले ऑप्शन में इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर आपको ये नंबर शोर है। तो इस नंबर पर मैं अभी आप लोग के सामने जो है कॉल करके बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस नंबर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर आ गया है। अगर आप ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहा है, इस पर डायरेक्ट भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आप अल्फ़ा ऐप जो है जो इनकी अल्फ़ा बैंक की ऐप है इसको इंस्टॉल करना नहीं चाहते। तो मैं आप लोग के सामने अभी इस नंबर पर कॉल करता हूँ। बनाने के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। वालेकुम सलाम, ये थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। जो अल्फा बैंक जो ऐप है इसमें जो हम रजिस्टर होते हैं, तो ये हमारा अकाउंट जो अल्फा बैंक में बन जाता है? जी सॉरी सर, मैं बात वहाँ चाहती हूँ। आप इसके अंदर जब क्या करते हैं अल्फा ऐप पे? अल्फा ऐप के अंदर जो रजिस्टर वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं, जी, तो ये वो वाला जो हम फिजिकल बैंक में जाते हैं वो अकाउंट, और ये अकाउंट नहीं सेम नहीं है सर, इसी ये में वो जाते अकाउंट नहीं होता, ये आपका खाली एप्लीकेशन का अकाउंट बनेगा। फिजिकल अगर आप अकाउंट अपना बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने नियर ब्रांच विजिट करना पड़ेगी। ठीक हो गया। और ये मतलब वैसे दूसरी तरह अकाउंट है, सॉरी मतलब जो हम अल्फा बैंक जो ऐप है इसमें जो हम अकाउंट बनाते हैं वो उसमें, और इसमें क्या फर्क है जो हम फिजिकल बनाते हैं बैंक में जाकर? सर, वो देखिए सर, वो तो इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट है। अगर आपका बैंक अल्फा में कोई फिजिकल अकाउंट नहीं है तो ये आपका एक वॉलेट अकाउंट बन जाता है जिसका किसी अकाउंट से क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं होता। ठीक ठीक है, ये हो गया, आपका पर्सनल एक अकाउंट होता है वो मोबाइल नंबर के थ्रू बना हुआ बस। ठीक हो गया। और जो फिजिकल बैंक में जाके बनाना होता है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? सर उसके लिए आपका CNIC रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आप अपने नियरेस्ट ब्रांच विजिट कर लीजिए, आपको सवाल से गाइड कर लेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह जी बैंक असला कॉल करने का शुक्रिया। चौम से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज़। तो आप देख सकते हैं मैंने आप लोग के सामने जो अल्फा बैंक की हेल्प नंबर उस पर कॉल करके नुमाइंदे से बात की। जो सवाल मैंने पूछा कि जो अल्फा बैंक ऐप है इसमें जो हम अकाउंट बनाते हैं और जो फिज़िकल हम जाके बैंक में अकाउंट बनाते हैं इसमें क्या फ़र्क है, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था। ये मैं अक्सर यही बोलता था कि अलग अलग अकाउंट है, लेकिन फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन थी। मैंने सोचा यही वाला सवाल जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ लेता हूँ। वैसे मुझे पता था इस बारे में, लेकिन मैंने कहा जो लोग कन्फ्यूज़ हैं वो उनको जो है इस बारे में जो है वो क्लियर हो जाए कि अल्फ़ा बैंक फिज़िकल हम जाकर अकाउंट बनाते हैं उसमें और जो अल्फ़ा ऐप है उसमें हम अकाउंट बनाते हैं, ये डिफरेंट है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। मैं यहाँ पर अल्फ़ा बैंक जो ऐप है इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेल्प वाला ऑप्शन है नीचे मैं क्लिक करता हूँ इस पर। तो यहाँ पर इनके और जो जैसे आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट है, उसके अलावा लाइव चैट आप बात कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप जो है बात कर सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं ज़ाया करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फेसबुक पर या इनकी वेबसाइट या लाइव चैट पर जो है आप बात कर सकते हैं। अगर आपके पास टच वाला मोबाइल नहीं है जहाँ पर ऐप इंस्टॉल नहीं होती तो यहाँ पर ये ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर डायरेक्ट कॉल करके आप जो है बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।